दोस्तों इस ट्रेन का इंजन चेंज कर रहे हैं। मेला ख़त्म हुए को 5 दिन हो गए, ये एक लास्ट ट्रेन बची थी, बाकी सारी ट्रेनें रद्द हो चुकी है। ये जोधपुर जाएगी, ये भी लास्ट दिन है आज इसका। लगभग 100 किलोमीटर बाद ये गांव सा नज़र आया, बाकी कुछ नहीं है भाई, पूरी धरती बंजर पड़ी है। जितने लोग थे ना वो सारे उतर गए, ट्रेन बिल्कुल खाली होगी। और पीछे बीकानेर से इतनी भरी हुई थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। 11 बज गए यार, सामने टाइम देखो डिजिटल घड़ी के अंदर, और भीड़ बहुत तेज है, ऊपर से ये गर्मी। ये डाली भाई का मंदिर है दोस्तों, रामदेवरा से 4 किलोमीटर दूर। और बाबा रामदेव के मंदिर जाने से पहले आपको इस मंदिर में आना पड़ेगा, ऐसी मान्यता है कि इनके दर्शन पहले होते हैं। और प्रसाद निपे दे दिया भाई जी, मंदिर की क्या मान्यता है? 640 साल पुरानी जाल है, डाली भाई लादेड़ है जाल, आज की वो दरखत है जो नीचे डाली भाई का मंदिर है। दोस्तों सामने जो मंदिर है ना, अभी मैं आपको लेकर के चलता हूँ। इस पेड़ के नीचे बाबा रामदेव को एक छोटी सी बच्ची मिली थी, तो उनको अपनी बहन बना लिया, जिसे वो डाली बाई कहा करते थे। यहाँ लिखा भी हुआ है डाली बाई के मिलने का स्थान। जब मैं आज से 10-12 साल पहले आया था ना, तो एक छोटा सा मंदिर था, बिल्कुल 2 ईंटों के सहारे बनाया हुआ, अब तो बहुत बड़ा मंदिर बना दिया है। और ये पीछे बाबा रामदेव का मंदिर बना दिया, पहले नहीं था यहाँ। इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं है, थोड़ी बहुत दुकानें हैं, एक साइड में एक सरकारी स्कूल है गवर्नमेंट, बस। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर NHIV है। हमें तो मेले का टाइम था, इसलिए रामदेवरा से यहाँ तक के लिए रिक्शा मिल गया, वरना अगर आप अदर टाइम आओगे तो रिक्शा वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। भीड़ बिल्कुल भी कोनी यार, पूरी रोड खाली पड़ी है। ये मंदिर का मुख्य गेट है दोस्तों, अंदर बाबा रामदेव की समाधि है, सिक्योरिटी गेट लगा रखे हैं, आगे पुलिस वाले खड़े हैं यार, कैमरा मत बंद करवा दें। जय राम सापीर। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो बाबा रामदेव थे उनका जन्म 1351 ईस्वी के अंदर हुआ था, और उसी साल 1351 में ही दिल्ली की सत्ता परिवर्तन हुई थी। जो सुल्तान थे दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक, उनकी मृत्यु हो गई थी उस साल, और उस समय जैसलमेर पर जो राज था वो राव दूदा का था। उस समय यहाँ के ठाकुर अजमल जी महाराज हुआ करते थे, और उन्हीं के घर में बाबा रामदेव ने जन्म लिया था, भाद्रपद की दूज को। माता मैनादे के घर द्वारिकाधीश एक बच्चे का रूप लेकर के पलने में अपने बड़े भाई वीरमदेव के साथ में आकर के लेट गए थे। दोस्तों ये सामने जो महल देख रहे हो ना आप, ये मंदिर है बाबा रामदेव का, यहाँ उन्होंने जीवित समाधि ली थी अपनी बहन डाली बाई के साथ 1461 के अंदर।
लोक कल्याण के लिए बाबा रामदेव ने बहुत सेवा की थी, और जो भी जाति धर्म है उन सबको भेदभाव को मिटा करके सबको एक किया था उन्होंने। बड़े बड़े पर्चे दिखाए थे लोगों को। और एक सबसे बड़ी बात, यहाँ एक भैरव राक्षस रहा करता था जो कि पोकरण यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है। वो एक पुराना गांव था जिसने भैरव राक्षस ने खा करके उसको ख़त्म कर दिया। अब वहाँ नया शहर बस गया। तो उस भैरव राक्षस को बाबा रामदेव ने मार दिया था, जिसके बाद इनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। और इनकी परीक्षा लेने ना मक्का मदीना से 5 पीर आए थे, जिन्होंने इनकी परीक्षा ली और ये परीक्षा में पास हुए तो इनको पीरों के पीर रामसा पीर कह करके उन्होंने ही बुलाया था। समाधि स्थल के इस मंदिर का आर्किटेक्चर देखो यार, कितना खूबसूरत है। ये दोस्तों बीच वाली बाबा रामदेव की समाधि, और ये बगल में आप जो समाधि देख रहे हैं वो इनकी पत्नी की है, और इस ओर इनके दादा की समाधि है। अंदर जितने भी समाधि स्थल के पास मूर्तियाँ, खिड़की, दरवाजे बने हुए हैं वो सब चांदी के हैं। ये घोड़ा है बाबा रामदेव का, ये भी देखो चांदी का बना हुआ है। दोस्तों यहाँ मंदिर के पीछे राम सरोवर एक तालाब है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये बाबा रामदेव ने 1439 के अंदर यहाँ पानी की कमी को देख करके, पानी की किल्लत को देखते हुए बनवाया था। आइए यहाँ के लोग राजस्थान के इस महान देवता का किस प्रकार से मनोहार करते हैं आपको दिखाता हूँ। ये बाबा रामदेव की जो मुंह बोली बहन थी डाली बाई, उनकी समाधि बनी हुई है। जब हम शुरू में मंदिर गए थे ना, वहाँ उनको ये बच्ची के रूप में मिली थी। दोस्तों ये एक दिव्य कन्या थी, और जब बाबा रामदेव समाधि ले रहे थे ना तो इन्होंने कहा था कि आप 2 समाधि बनवाए और मैं आपसे पहले समाधि लूँगी अगर चूड़ी और कंगन निकले तो। तो पहली समाधि में चूड़ी और कंगन ही निकले थे, इसीलिए इनकी बहन डाली बाई के दर्शन पहले होते हैं। इन घोड़ों की कोई गिनती नहीं है, अंदर पूरा हॉल भरा पड़ा है, क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले ना 10 दिन तक मेला लगा था बहुत बड़ा। तो भक्त अपनी श्रद्धा से घोड़े और ये ध्वजा बाबा रामदेव के चढ़ाते हैं। वैसे देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि बाद में इनको फेंका जाता है। सारा कोठी बना ला रहे आप आपकी? मैं मेरी कोठी बना दी है, तैयार कर दिया है। तो भी क्या बिना ला रहे, दिखा ला रहा वो देखो बंदर है।
राम सरोवर ना रे पग वाल दे वहीं सब मर गए मर गए मर गए क्या कहानी है इस बावड़ी की? ये पर्चा बावड़ी है, जल लगाओ, बीमारी हुए तो भर के ले जाओ। ये पानी है कहाँ से आता, कहाँ से पताल से? भैया यहाँ जैसलमेर का पत्थर मशहूर है जो दही जमाता है, वो कहाँ मिलेगा?